नंदौर की सड़कों में हुए गड्ढों के कारण लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र का है, जहां बारिश में खस्ताहाल हो चुकी शहर की सड़क पर उभरे गड्ढे ने शनिवार को द्वितीय वर्ष की छात्रा सरिता की जान ले ली। सरिता अपने भाई राहुल और सहेली सुजाता के साथ स्कूटर से आ रही थी। पानी भरा होने से स्कूटर का अगला पहिया गड्ढे में डूब गया और तीनों एक दूसरे पर गिर गए। हादसे में सुजाता गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा रात करीब 8:15 बजे का है। धार की रहने वाली 21 वर्षीय सरिता अपने मुंह बोले भाई राहुल और सहेली सुजाता के साथ खंडवा नाका आ रही थी। सिर में चोट आने के कारण सरिता बेहोश हो गई थी। राहुल उसे निजी अस्पताल लेकर आया, लेकिन डॉक्टर ने उसे वहां मृत करार दे दिया। सर हम लोग खाना खाने जा रहे थे, दीदी बोल रहे थे हमारे यहाँ पर नल नहीं आए, तो मैं लेने गया था। उसके बाद बोले दीदी बोले की खाना खा के वापस छोड़ देना, मेरे को सुबह घर जाना है। हम बातचीत करते जा रहे थे, मैंने बोला दीदी ठीक है छोड़ दूंगा सुबह, ये अभी खाना खा के ना। तो पानी भरा था गड्ढे में, हम लोग मेरे को दिखा नहीं, तो गड्ढे में एकदम से गाड़ी चले गई है। उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर घुस गया हूँ और दीदी मेरे से आगे निकल के ना चले गए, मतलब उछल के ना। तीन लोग बैठे थे हम लोग, मैं था, सविता रणधावी दीदी थी, सुजाता दीदी थी। एक लड़की घायल होकर हॉस्पिटल गई है, जिस पर जो कि जुपिटर से गिर गए थे, वो जिस पे थाने में वहाँ गए, गुजर हॉस्पिटल गए थे। गुजर हॉस्पिटल पर जाके उसके बयान वयान लिए, जिसने बताया कि मैं राहुल की गाड़ी पे बैठ के, मैं और मेरी एक सहेली दोनों जा रही थी, तो ये विशेष हॉस्पिटल और आईटी पार्क के बीच में गड्ढा आने से और अचानक गाड़ी स्लिप खाने से हम तीनों गिर गए थे, और गिरने से मुझे चोट लगी थी, हाथ पांव वगैरह, पीठ वगैरह सब। और जिसमें एक लड़की की मृत्यु हो गई, उसका बताया नहीं था उसने, उसका राहुल का बताया था। अभी मामला विवेचना में है। अब देखना ये होगा कि हादसों के बाद भी प्रशासन सड़कों को ठीक करवाएगा या फिर और हादसे होने का इंतजार करेगा। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।